नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारतीय कल्चर में। आज की वीडियो है दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले शब्दों को संस्कृत में कैसे बोलें, भाग तीन। वातानेनम ये बोलेंगे खिड़की को, द्वार है मतलब दरवाजा या गेट। कूप है बोलते हैं कुबे को, रज्जु है मतलब रस्सी। पर्यंक है बोलते हैं पलंग को, दीप पत्रिका यानी कि समाचार पत्र। घटी का मतलब घड़ी, दीप है मतलब दिया। सिक्थवर्तिका ये बोलते हैं मोमबत्ती को, विद्युत। वैजनम ये बोलते हैं पंखे को। शीतकम यानी कि फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। शालनेत्रम यानी कि वॉशिंग मशीन। मिश्र का मतलब मिक्सी, समीकर है यानी कि प्रेस। कैलकुलेटर को बोलेंगे गणक यंत्रम, आकाशवाणी यानी कि रेडियो। दूरदर्शनम बोलेंगे टीवी को, दूरवाणी यानी कि फोन। जंगम दूरवाणी बोलेंगे मोबाइल फोन को, चित्रग्राहिणी बोलेंगे कैमरे को। अनिल कोश मतलब सिलेंडर, दर्पण है यानी कि शीशा। विद्युत कोश है सेल, बैटरी या घड़ी में डलने वाली जो सेल होती है। आसंद है कुर्सी, नेदीप है लालटेन, ताल है ताला। संगणक ये बोलेंगे कंप्यूटर को, विमानम यानी कि हवाई जहाज। क्षेपणी मतलब रॉकेट, विद्युत दीप है बोलेंगे बल्ब को। उपनेत्रम बोलेंगे चश्मे को, कटिपट्ट है यानी बेल्ट, कटी कमर को बोलते हैं ना। लेखिनी मतलब कलम, निर्यास है बोलते हैं फेविक्विक जैसे गोंद। अंतःपेटी का ड्रॉवर या अनमारे को बोलेंगे, उत्पीटी का मेज को बोलेंगे। कर्तरी मतलब कैंची, रंध्रिका मतलब पंचिंग मशीन। वर्णलेखिनी यानी कि लिखने के लिए कुछ भी स्केच पेन टाइप। लेखन पट्टी का ये बोलेंगे सेलो टेप को। अंकिनी ये बोलेंगे पेंसिल को, मार्जरी इरेजर यानी कि रबर। योजिनी मतलब स्टेपलर, पिनअप करने के लिए। दंसकम मतलब पेपर पिन, सकते हैं ये बोलेंगे बैलगाड़ी को। अश्व सकते हैं ये बोलेंगे घोड़ा गाड़ी को। द्विचक्री का यानी कि साइकिल, त्रिचक्री का मतलब रिक्शे को बोलेंगे। भारवाहकम यानी कि रेड़ा या ठेला इसे बोलते हैं। यंत्र त्रिचक्रिका यानी कि ऑटो, ऐसा यंत्र जिसमें तीन पहिए हो। स्कूट नयानम मतलब स्कूटी या स्कूटर। बाइक यानम यानी कि मोटरसाइकिल। कार यानम यानी कि कार। लोकयानम मतलब कि बस। भारवाहनम यानी कि ट्रक। रुग्ण वाहनम मतलब एम्बुलेंस जिसमें रोगियों को ले जाया जाए। रेल यानम यानी कि रेलगाड़ी। मेट्रो यानम मतलब मेट्रो रेल। महानौका पानी का जहाज। उद्र ग्रयानम मतलब हेलीकॉप्टर। चक्रम मतलब पहिया। लोहमार्ग, लोहमार्ग मतलब रेलगाड़ी की पटरी। संस्कृत सीखिए भाग तीन समाप्त। धन्यवाद। कृपया अपनी मातृभाषा हिंदी की जननी भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।